ये वाला एक कंपार्टमेंट हमको मिल गया हुआ है, एक वो अंकल के साथ हम शेयरिंग करेंगे। और अभी पंगा ये हो रहा है, हम बोल रहे हैं इसको, लव को बोल रहे हैं उधर चला जा, मैं और अमित इधर सो जाएंगे, और लेकिन ये अभी डर रहा है वहां पे जाने में। इधर देखिए यार क्या हुआ है। तो हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। लोकेशन इस वक्त हम हैं अमृतसर के खंडवाला चौक में, मेरे घर के पास है, और निकलने वाले हैं हम माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा के लिए आज। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे कुछ दोस्तों के साथ। तो अभी हमारा भाई लव जो है हमें वो लेट करवा रहा है, 9:30 की हमारी बस थी, 9:20 यहीं पे हो गए हुए हैं, और अभी उसका हम लोग कर रहे हैं वेट। तो अभी देखना उसको थोड़ी डोज देना पड़ेगा। गाइस अभी फाइनली हमारे लव भाई यूं नहीं आ गए हुए हैं, और अभी मिलवाते हैं आपको उनके साथ। तो ठीक है, वो आ रहा है सामने रोड से, अभी मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है, इसकी कैप दिख रही है। तो ठीक है, मिस्टर लव से मिलाते हैं आपको। हम लोग ऑटो में बैठ गए हुए हैं और अभी जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन से अपनी बस से 9:30 बजे, और इसने हमें 9:20 यहीं पे करवा दिया है। तो गाइज अभी टिकट काउंटर पे हमने टिकट जो है निकलवा ली हुई है, 3 टिकट दी हमने। ये टिकट का प्राइस है 400 है, अमृतसर से कटरा, एसी का है, स्लीपर क्लास। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपने फ्रेंड्स को, ये है लवप्रीत सिंह जी, और ये है अमित शर्मा ना भाई, और बस 3 बंदे ही जा रहे हैं, हमें ज़्यादा बंदे हमने इकट्ठे नहीं किए, इंजॉय करेंगे। सो बंदे अपने कर रहे हैं बस का वेट, क्योंकि भाई साहब ने हमें बुला लिया थोड़ा पहले, और कोई चक्कर नहीं है अभी तो पहुंचना है, सुबह पहुंचेंगे हम। ठीक है लव भाई, और ठीक है लव पहली बार जा रहा है, पहली बार जा रहा ना भाई साहब, पहली बार जा रहे हो ना, तो इसके लिए तो एक्साइटमेंट पूरी होगी। हम तो सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं, ये थोड़ा इंजॉय भी कर पाएगा अच्छे से, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जा रहा है। बाकी इसको अभी तंग पूरा करेंगे, तो ठीक है अभी हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं, बस आती है तब। तो गाइज अभी ये वाला एक कंपार्टमेंट हमको मिल गया हुआ है, एक वो अंकल के साथ हम शेयरिंग करेंगे। और अभी पंगा ये हो रहा है, हम बोल रहे हैं इसको, लव को बोल रहे हैं उधर चला जा, मैं और अमित इधर सो जाएंगे, और लेकिन ये अभी डर रहा है वहाँ पे जाने में। इधर देखिए यार क्या हुआ है। हेलो, वो देखो अंकल कितने शरीफ हैं, ये कह रहा है मैं उनके साथ नहीं सोऊंगा। लाबा जी चल जाओ यार, कोई गल नहीं, चलो चलो इधर देखो। तो गाइस लव डर रहा है वहाँ पे जाने के लिए, सो अभी डिसाइड यही हुआ है कि हम तीनों इसी कैबिनेट में डलेंगे तीनों, वो अंकल को हम सोने दे रहे हैं फ्री से, सो अंकल तू सो। सो गाइस ठीक है, अभी हमने खाना भी खा लिया हुआ है, बस में बैठ गए हुए हैं, और बस अभी चल पड़ी है यहाँ से, टाइम हो रहा है 10:15, और बड़े अच्छे टाइम पे हम अमृतसर से निकल चुके हैं, और देखते हैं कब पहुंचते हैं। रास्ते में अगर कोई स्टे हुआ तो आपको मिलके कुछ और बातें शेयर करेंगे। बाकी ये माँ वैष्णो देवी का जो वीडियो है, काफ़ी डिटेल में मैं बनाऊंगा, अच्छे से आपको एक एक पॉइंट का डिटेल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्रॉपरली देखें, पूरा देखें। तो ठीक है अभी मिलते हैं जहाँ पर भी हम स्टॉप लेते हैं। अच्छा, सो फाइनली सेटलमेंट हो चुकी है, लव उधर चला गया हुआ है अभी अंकल के साथ, और ठीक है अभी सेटलमेंट हो चुकी है। तो हाँ जी गाइस अभी मॉर्निंग के बज गए हुए हैं 5, इस वक्त हम कटरा में पहुंच गए हैं। फाइनली आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बस ने टाइम पे पूरे पहुंचा दिया, लेकिन पंगा ये चल रहा है आज यहाँ पे पूरी 100% बारिश दिखा रहा था गूगल, और सच में बारिश पड़ रही है, वेदर बड़ा ही अच्छा हुआ है, बड़ा ही अच्छा, लेकिन हमारे पास कपड़े थोड़े कम थे, हमारे एक कपड़े तो भीग गए हुए हैं, तो अभी जल्दी से रूम लेंगे कोई, और सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, और फिर करेंगे अपना ट्रैक जो कि स्टार्ट। तो अभी हम 9:10 बजे के करीब ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और लापा जी अपने इन्होंने एक्सपीरियंस आप जान लेते हैं कि नहीं लग रहा भाई। इसने एक्चुअली मुझे बोला था कि जैकेट लेके आ, ठंड होगी वहाँ पे, और मैं लेके नहीं आया।
अभी ये मुझे निकाल रहा है गालियाँ मन में, मुंह पे नहीं निकालेगा। तो चलो ठीक है, तो होटल रूम में जाके मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कटरा। और इस वक्त हैं हम कटरा में और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 8 बज गए। तो 5 बजे हम पहुंच चुके थे, मैंने दिखाया आपको वीडियो में, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और काफ़ी मुश्किल से हमें ये एक छोटा सा रूम मिला है, 500 रुपये में मिला है। हम 12 बजे इसको चेकआउट कर देंगे यहाँ से। और अभी बस नहा लिया मैंने, वैसे मैं नहा लग नहीं रहा हूँ मैंने नहा लिया अभी बस। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है बाहर। हम अपनी यात्रा पर्ची भी बनवाए हैं जाके, काफ़ी क्राउड था, 1-2 घंटे लगे हमें लाइन में, और यात्रा पर्ची हमने बनवा ली है अभी बस। यात्रा पर्ची हमने ये देखो बनवा ली है, गीली भी हो गई है अभी, तो अभी देखते हैं इसका क्या बनता है। तो अभी बस यात्रा स्टार्ट करने लगे हैं, हम पूरे 11 बजे यात्रा स्टार्ट कर देंगे। मैंने नहा लिया है, बाकी के बंदे नहाने लगे हैं, अपने लाभ भाई नहा रहे हैं। चलो यार जल्दी जल्दी ठीक है। और अभी नहा के फिर जाके हम पहले बाहर कहीं पे कुछ खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर यात्रा कर देंगे अपनी स्टार्ट। और बस अभी आपको जल्दी से मैं मिलता हूँ यात्रा मार्ग पे जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, और ईच एंड एवरी पॉइंट की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हमने रेनकोट वगैरह वेयर कर लिए हैं और अभी निकल गए यात्रा के लिए। और लाओ सभी पोकेमोन बन गए और ठीक है, अभी माता रानी का लेके नाम करते हैं यात्रा स्टार्ट। सारे बोलो जी जय माता दी, जय माता दी। तो ठीक है, अभी सबसे पहले हम करने वाले हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम आगे करेंगे यात्रा कंटिन्यू। तो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है बारिश का, अभी हमारी वो डेस्टिनेशन काफ़ी ऊपर है, तो 14 किलोमीटर का जो ट्रैक है भवन तक का, उसके आगे 3 किलोमीटर का है भैरव मंदिर का। तो ठीक है, अभी नॉन स्टॉप तो नहीं चलेंगे पर अच्छे से आराम से जाएंगे इजीली। तो गाइस अभी देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी लाइन लगी है चेक पोस्ट के लिए, ये सारी लाइन जो है चेक पोस्ट के लिए है। और अभी यहाँ से 500 मीटर दूर चेक पोस्ट है, मतलब 1.5 किलोमीटर की ये लाइन लगी है, हमें लाइन में लगे हुए 1 घंटा हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी चेक पोस्ट के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है। एक्चुअली छुट्टियाँ आ गई हैं 15 अगस्त की, इस कारण यहाँ पे थोड़ा क्राउड हो गया हुआ है, बाकी कोई बात नहीं, अभी जाएंगे दर्शन करेंगे माता रानी के, सारी थकावट उतर जाएगी। अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा दर्शन करने को, कोई हमें 6-7-8 घंटे लग जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं चेक पोस्ट आता है, चेक पोस्ट आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस लाइन लंबी होती नहीं है, इन जैसे लोग लाइन को लंबा करते हैं जो बीच में से आधा अपना रास्ता बना के चले जा रहे हैं। ये वाली लाइन चल रही है, ये लोग अपने से जाई जा रहे हैं, इन लोगों के कारण बस टाइम ज़्यादा लग रहा है, बाकी कोई बात नहीं, दर्शन करने आए हैं सबको, जाइए एक सिमेट्री में आए जैसे सब जा रहे हैं। अभी फाइनल चेक पोस्ट वो पीछे है मेरे, और अभी इसके बाद चेक पोस्ट पे बाद हम यात्रा के लिए फ्री हैं। तो ठीक है, अभी चेक पोस्ट पे अपने बैग वगैरह स्कैन करेंगे, वो चेक होते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के लिए, तो उसके बाद हम आगे यात्रा कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। सो हम तीनों ने फाइनली चेक पोस्ट जो कि क्रॉस कर लिया हुआ है, और अभी यात्रा है यहाँ से 14 किलोमीटर्स। अभी देखते हैं कितने बजे में पूरी करते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है 9 बज गए, तो देखते हैं कितने टाइम तक ऊपर पहुंचते हैं। तो चलो सभी को जय माता दी, जोर से बोलो भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो जकारा शेराणी दा, तो सच्चे दरबार की जय। जो आप नीचे देख रहे हैं ये है जो कि गुलशन कुमार जी का लंगर है, वो चलता है, काफ़ी पुराना चल रहा है काफ़ी सालों से, और ये उधर से वो मार के जाने का। तो हमने अभी कुछ नहीं खाना है, हम यात्रा कंटिन्यू करेंगे।
अभी हम करेंगे दिन का जो हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट है वो करने के लिए हम बैठे हुए हैं चेक पोस्ट क्रॉस करके। 1 किलोमीटर हमने चली हुआ बाणगंगा के आगे आगे हुए हैं, ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाना खाएंगे। गाइज अभी हमने चरण पादुका जो कि क्रॉस कर लिया हुआ है, सो लगभग 3 किलोमीटर हमारा जो कि ट्रैक हो गया है। गर्मी काफ़ी लग रही है, हालांकि यहाँ पे जो कि टेम्परेचर है वो होगा 20 डिग्री, लेकिन फिर भी ट्रैक करने के कारण काफ़ी स्वेट आया है और गर्मी लग रही है। सो आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे काफ़ी बद्दी बन गई हुई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरे बाल भी भीगे हुए हैं गर्मी के कारण। और लव और अमित आगे निकल गए, मैंने बैग कैरी किया हुआ है, थोड़ा वेट है मेरे पास इसलिए मैं आराम से चला हूँ, बेबी स्टेप ले लेके अभी, ठीक है थकना नहीं है मुझे, बेबी स्टेप लूँगा आराम से चला लूँगा, आराम से पहुँच जाऊँगा 5-6 घंटे में। मेरे पीछे आप लोग स्टेयर्स देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 तरह के मतलब ट्रैक हैं, इसमें स्टेयर्स भी आती हैं और एक ऐसे वाला रूट आता है जिस पर हम चल रहे हैं। जो भी कोई बिगनिंग में आ रहा है वो भाई स्टेयर्स का यू अनबिलीवेबल की फर्स्ट टाइम हमने जो कि अपना आधे से ज़्यादा जो कि आधा ट्रैक है कंप्लीट कर दिया है, और वो भी अनस्टॉपेबल बिना ब्रेक के, और वो भी 1.5 घंटे में। 11 बजे हम नीचे थे जहाँ पे हमने खाना खाया था, वहाँ से हमने ट्रैक यहाँ तक अभी आधे कुंवारी पहुँच चुके हैं, हम यहाँ तक हम अनस्टॉपेबल आए हैं। एक और छोटे छोटे कोई 10-15 सेकेंड का ब्रेक लिया होगा, वो भी खड़े रह के, बैठे नहीं हैं कहीं पर। और खुशी की बात यह है कि हम 1.5 घंटे में यहाँ पर पहुँच गए हैं। अभी यहाँ पे भी ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे, कोई 15-20 मिनट रेस्ट करेंगे, थोड़ा कुछ चाय वाय लेंगे। यहाँ से जो आगे का ट्रैक है वो 7 किलोमीटर रह गया है 10 भवन तक का, और अभी देखते हैं वो कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। अभी थोड़ा थक गए हैं, ऐसे वाला स्टेमिना तो नहीं रहेगा, बट कोशिश करेंगे 3-4 घंटे में हम आगे का ट्रैक कम्प्लीट कर लें। तो ठीक है, अभी आगे के अपडेट्स मैं आगे देता हूँ। सो गाइज, ये जो सामने काउंटर दिख रहा है आपको, ये गर्भजून की गुफा का काउंटर है। इससे मतलब जिन लोगों ने गर्भजून की गुफा में दर्शन करने होते हैं यहाँ से वो काउंटर के क्या होता है रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है दर्शन करने को। अभी तो काफ़ी मतलब इसमें क्या होता है कि नंबर चल रहे होते हैं, तो अभी हमारा मुश्किल है क्योंकि इसमें 2-3 दिन चल जाएंगे, अभी मैंने कन्फर्म किया किसी से। इस वक्त हम लोग हैं आदक कुंवारी जी के यहाँ पे, और आदक कुंवारी का इतिहास ये है कि जो माँ वैष्णो देवी जी थे उन्होंने यहाँ पे 9 महीने भक्ति की थी जबकि बैरोनाथ उनके पीछे था। और ये जो कि गर्भजून की गुफा है, ये वही गुफा है यहाँ पे महामही ने जो कि भक्ति की थी 9 महीने के लिए। बोला जाता है कि जो भी उस गुफा के एक बार दर्शन कर लेता है पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। मैंने 1-2 बार दर्शन किए हुए हैं, अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि काउंटर पे नंबर काफ़ी आगे का चल रहा है, और अगर किसी ने भी माथा टेकना है अभी के लिए तो उस
उसको 2 से 2.5 दिन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर उसका बारी आएगा। लेकिन हमारी कल यहाँ से वापसी है अमृतसर के लिए, कल हम वापस जाएंगे अमृतसर, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम कभी भी आए तो मैं दर्शन जरूर करूँगा। अगर सो अभी हम फोटो क्लिक कर रहे थे और ये पीछे का आसमान सारा दिख रहा था, अभी देखो अभी वो सांझी छत दिख रहा था, यहाँ से ऊपर सांझी छत है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आते हैं। और अभी ये वाला मार्ग हम चूज करेंगे क्योंकि दूसरे वाला रास्ता बंद है, दो पार रहे हैं, एक उधर से रास्ता जाता है, ये एक है। ये वाला थोड़ा टफ है लेकिन 1 किलोमीटर कम है, उधर वाला थोड़ा अच्छा है लेकिन वो 1 किलोमीटर ज़्यादा है। लेकिन अभी ये वाला रास्ता हमें चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, रास्ता दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं मस्ती। सो गाइस ये जो कि है मंदिर, इसी के अंदर है गर्भजून की गुफा। ये सारे जो लोग हैं लाइन में लगे हैं, ये दर्शन करने जा रहे हैं गर्भजून गुफा के। और वो सामने आप टनल देख रहे हैं, इधर से दूसरा रास्ता कटता है जो कि आसान वाला रास्ता है, मैं बता रहा हूँ। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, मे बी खुल गया हो रास्ता। सो जहाँ से है भवन 6 किलोमीटर्स, तो देखते हैं अभी कितनी देर में हम करते हैं। दोस्तों अभी गुफा की ओर जा रहे थे, एकदम से बारिश काफ़ी तेज़ हो गई, आपको पता ही था मौसम काफ़ी ख़राब था और अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। तो जहाँ जहाँ पे शेड मिल रहा है वहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी शेड नहीं आता, वहाँ पे थोड़ा भाग के क्रॉस करना पड़ता है। बाकी अम्मी तो मेरे थोड़ा आगे निकल गए हैं, तो चलो उनको कैच करता हूँ जल्दी से। यहाँ पे ये एक मिनरल वाटर की सुविधा भी है, यहाँ से आप साफ शुद्ध और अच्छा मिनरल वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। तो गाइज बंदे मिल गए हैं भवन के पास आके, पूरे मिले मेरे को, और 4:15 बज गए हुए हैं, हम भवन पे पूरे पहुंच गए हैं और अभी करेंगे दर्शन। पहुंच हम चाहे 3 बजे जाते लेकिन थोड़ा एक दूसरे की वेट करते करते हम हो गए देर। तो गाइज ये है लोकल रूम, यहाँ पे हम अपने बैग सारा कुछ जमा करवाएंगे, फिर करेंगे दर्शन। तो अभी बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि हमने कंटिन्यूसली चले हैं, ब्रेक भी नहीं लिया, अभी खाना वाना खाने लगे यहाँ पे और फिर हम निकलेंगे भैरव मंदिर के लिए। जी खुशी वाली बात ये है गाइस, दर्शन बहुत बढ़िया मेरे, हम सबको दर्शन बहुत बढ़िया हो चुके हैं। और अभी 5 बज रहे हैं, 11 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था, 5 बजे दर्शन भी कर दिया हम लोगों ने। और अभी अभी हम लोग निकलने वाले हैं भैरव मंदिर के लिए, तो इन लोगों ने बंद कर दिया, पता नहीं क्या अपने ही करते हैं। अभी इतना मतलब 6 यात्री अभी रोप वे चलाना चाहिए था, अभी इन्होंने बंद कर दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, रोप वे नेक्स्ट टाइम सही। भैरव मंदिर हम जा रहे हैं और उसके लिए हमने जो कि स्टेयर्स वाला रास्ता चूज़ किया है, क्योंकि स्टेयर्स वाला रास्ता इसलिए चूज़ किया है अगर हम चढ़ाई की तरफ से जाएंगे तो वो भी स्टीप है, तो इससे बेटर है हम स्टेयर्स से चले जाएँ, जल्दी पहुँचेंगे। सो गाइज ये वो सेंटर है, मतलब ये रोपवे का स्टेशन मान लो एक तरह का, मुझे पता नहीं उस वर्ड को क्या कहते हैं। यहाँ पे रोपवे आते हैं, इधर से फिर यात्री ऊपर आते हैं और हम फाइनली पहुँच गए हैं। ये इधर मंदिर है पीछे भैरव बाबा का। सो अभी वेदर देख सकते हैं, ये क्लाउड्स हैं नीचे और ये पूरा माउंटेन ग्रीनरी से भरा हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। शाम के जो कि 6 बज गए, हम 5 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था भैरव बाबा के लिए और अभी 6 बज गए, 1 घंटे में हमने ये भी माइलस्टोन जो कि क्लियर कर दिया। तो ठीक है अभी 10-15 मिनट लगेंगे दर्शन करने में, बहुत जल्दी से जल्दी वापस निकल रहे। सो गाइज अभी मैं बैठा हुआ बाहर ही,
लव और अमित गए हुए हैं दर्शन करने के लिए भैरव मंदिर में, और मैं सामान वगैरह का ध्यान रख रहा हूँ, बैग है हमारे पास, शूज़ हैं, क्योंकि बार बार शूज़ जमा कराओ लोकल रूम में, सामान जमा कराओ, इसके लिए टाइम लग जाता है ज़्यादा। अभी इसलिए वो दोनों गए हैं, पहले वो दर्शन करके आएंगे और फिर मैं जाऊँगा। तो आज का जो दिन था वो काफ़ी बढ़िया रहा, हमने मतलब बड़े अच्छे और काफ़ी फास्टली एक्टिवली योगी यात्रा कम्प्लीट कर दी हुई है, और अभी बस वापस जाना है। तो वापस जाने में भी कोई चार पाँच छः घंटे लगा के चलो, इतना ही टाइम लगेगा क्योंकि रास्ता काफ़ी स्लिपरी हुआ है, बारिश सुबह से पड़ रही है, परसों से पड़ रही है सॉरी बारिश, तो अभी जाके थोड़े धूप लगी है, तो मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाता हूँ, आप उन व्यूज़ को इन्जॉय करिए, तब तक के लिए मैं दर्शन करके आता हूँ। और लोग खाते हैं पहाड़ों में मैगी, और हम खा रहे हैं पहाड़ों में आलू वाले पकोड़े। तो गाइस अभी फोटोग्राफी होगी हुई है मेरे पीछे, आपको मैं वेदर दिखाता हूँ, एक तरीके से चारों ओर क्लाउडी क्लाउड्स हो गए हुए हैं, और अभी हम निकलने वाले हैं वापस कटरा के लिए। तो ठीक है, काफ़ी मज़ा आया ये यात्रा करके, तो आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस मैं व्लॉग को पूरा एक ही पार्ट में अपलोड करूँगा, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि व्लॉग को कम्प्लीट देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, अभी निकलने लगे वापस के लिए। अभी हमारी एक चीज़ को लेके बहस चल रही थी, ये जो सामने है ये हम बोल रहे हैं क्लाउड्स का है, और लग ऐसा रहा है जैसे कि कोई रिवर होता है, तो रिवर हमने कभी पहले देखा नहीं यहाँ पे, और देखो क्लाउड्स हैं भाई, क्लाउड्स हैं या रिवर है। और भाई अगर आप भी अपने अपने कमेंट्स में बताइएगा ये रिवर है या क्लाउड्स है, मुझे तो क्लाउड्स लग रहे हैं और लव बोल रहा है रिवर है, बाकी इसके आंसर ज़्यादातर गलत ही होते हैं। ये है व्यू कटरे का रात को, ये सारा कटरा है, लाइटिंग हुई है। तो गाइस अभी आधे घंटे में हमने 5 किलोमीटर मतलब उतराई कर दी हुई है, और एक और चक्कर ये पड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि आज ही रात हम वापस निकल जाएं अमृतसर के लिए। और मेरी बात हुई है नीचे कटरा में बस वाले से, वो बोल रहा है कि जो लास्ट सर्विस है वो 10 बजे होती है बस की, तो ट्राई कर रहे हैं अगर हम जल्दी उतर पाए।